नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 3 पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का शब्द विचार। बच्चों आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते बच्चों आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है। घरों में रहकर ही अपना अध्यापकों द्वारा किया बताया हुआ पूरा कार्य जो बता रहे हैं उसको अपनी बुक नोटबुक में करना है। बुक नोटबुक को कवर करके रखना है, उनको पूर्ण स्वच्छता के साथ अपना कार्य करना है। कवर पे नाम, रोल नंबर और आपका क्लास सेक्शन वो सब कुछ डाल के अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से निवेदन करूँगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फ़ीस अभी रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में बच्चों की फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि इस महामारी के समय में हमें आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम पाठ 3 हिंदी व्याकरण का शब्द विचार की बुक एक्सरसाइज। बच्चों इसमें पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें हमें पहले प्रश्न नंबर क देखना है। प्रश्न नंबर क, एक से अधिक अक्षरों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वर्ण, शब्द, वाक्य, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, तो शब्द के पीछे वाले कॉलम में टिक कर देंगे। ख, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, तो इसमें रूढ़, रूढ़ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 3, ग वाला, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं कौन से शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, विदेशी, तो तत्सम शब्द सही उत्तर है इसका। घ, जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, तो अनेकार्थी इसका सही उत्तर है, अनेकार्थी क्यों टिक कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें तत्सम रूप लिखने हैं। तो हाथ का होगा हस्त, घर का होगा गृह, दांत का होगा दंत, आम का होगा आम्र, रात का होगा रात्रि और गांव का होगा ग्राम। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इनके तद्भव रूप लिखने हैं हमें कंटक मीन्स कांटा, पक्षी पंक्षी, नृत्य नाच, क्षेत्र खेत, अंगुली उंगली, दिवस दिन। अगला प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के प्रकार यानी रूढ़, यौगिक या योगरूढ़ लिखिए। ये कौन से शब्द हैं वो लिखने हैं। पुस्तकालय यौगिक शब्द है, कलम रूढ़ शब्द है, पंकज योगरूढ़ शब्द है, लंबोदर योगरूढ़ शब्द है, शिवालय यौगिक शब्द है और पुस्तक भी यौगिक शब्द है। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्द किस भाषा के हैं नाम लिखिए। ये शब्द दिए गए हैं ये कौन सी भाषा के हैं इनके बारे में बताना है। तो पहला है इसमें स्टेशन, अंग्रेजी का है मालिक, अरबी का है कमीज, पुर्तगाली भाषा का है नमूना, फारसी का है बहादुर, तुर्की भाषा का है और टेलीफोन अंग्रेजी भाषा का है। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों से विकारी तथा अविकारी शब्द छांटकर अलग कीजिए। इनमें से कौन से विकारी हैं कौन से अविकारी हैं इस बॉक्स में से हमें वो अलग अलग करने हैं। तो पहले विकारी शब्द देख लेते हैं। विकारी शब्द, यह घोड़ा, गया, काला लड़का, ये हमारे विकारी हैं। और अविकारी कौन से हैं? तेज, और, किंतु, अभी, हाय, ये शब्द हमारे अविकारी हैं। बच्चों अब इसके प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर क का उत्तर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब इनको हमें एक्सप्लेन करना है, तो पहले हम करेंगे तत्सम शब्द को। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है।
तत् का अर्थ है संस्कृत तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश आदि। अब आते हैं बच्चों नंबर दो में है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, सूरज आदि। अगला है नंबर तीन देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव में प्रचलन के कारण हिंदी में आ गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, खटपट आदि। अब आते हैं बच्चों नंबर चार विदेशी शब्द। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। ये शब्द विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए हैं और प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे हैं, जैसे स्कूल, कमीज आदि। तो बच्चों ये हुआ आपका प्रश्न नंबर क का उत्तर। अब प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर ख का उत्तर है रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इसमें रूढ़ शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। नंबर एक रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे बैल, चांदी आदि। नंबर दो है इसमें यौगिक शब्द, एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से या मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगने से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे जल प्लस निधि जल निधि, सेना प्लस पति सेनापति। अब आते हैं योगरूढ़ शब्द। नंबर तीन में है योगरूढ़ शब्द, ये शब्द वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र बराबर पीतांबर, पीले वस्त्र वाला। लंबा प्लस उदर, उदर मीन्स पेट बराबर लंबोदर, बड़े पेट वाला। अब प्रश्न नंबर ग। बच्चों प्रश्न नंबर ग है इसमें तत्सम एवं तद्भव शब्द की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तत्सम एवं तद्भव शब्द की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर ग का उत्तर है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है। तत् का अर्थ है संस्कृत तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश आदि। और अगला है नंबर दो में है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, सूरज आदि। अब प्रश्न नंबर घ। बच्चों प्रश्न नंबर घ है विकारी शब्द किसे कहते हैं, इनके कितने इनके प्रकार लिखिए। अब इसमें विकारी शब्द के प्रकार हमें बताने हैं। तो प्रश्न नंबर घ, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक संज्ञा शब्द, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़की पढ़ती है, यह मिताली की पुस्तक है, ये मिताली की पुस्तकें हैं। अगला नंबर दो सर्वनाम शब्द, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने
वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे वह खेलता है, वे खेलते हैं, यह मेरी पुस्तक है या ये मेरी पुस्तकें हैं। नंबर 3 है इसमें विशेषण शब्द। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं, जैसे काला बैल, काली गाय, काले बछड़े, पुराना कपड़ा, पुरानी पुस्तक, पुराने मित्र। अब आते हैं नंबर 4 में क्रिया शब्द। ऐसे शब्द जो कार्य के होने या करने का बोध होता है, ऐसे शब्द जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया शब्द कहलाते हैं, जैसे राहुल बाजार गया, सुमन विद्यालय गई। अगला आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5 ऋण वाला। अविकारी शब्द की परिभाषा लिखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अविकारी शब्द की परिभाषा है इसमें, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, तथा और, के लिए, के नीचे, अरे आदि। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी बुक एक्सरसाइज पूरी हो गई है और एक रचनात्मक गतिविधि यानी एक्टिविटी है जिसमें दिया गया है नीचे दिए गए नामों के योगरूढ़ शब्द लिखिए। तो इनके योगरूढ़ शब्द आपको लिखने हैं, भगवान शिव नीलकंठ, रावण दशानन, श्री कृष्ण पीताम्बर और कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय षडानन। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समय से ही अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, नोटबुक में साफ साफ और स्वच्छता के साथ करेंगे, गलतियाँ कम करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों के माता पिता से कहूँगी कि आप अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।